लहर में शहर से होता हुआ संक्रमण अब ग्रामीण अंचलों में तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने सभी राजस्व गांवों में 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का बीड़ा उठाया है। निगरानी समितियां डोर टू डोर जाकर कोविड के लक्षणों की जांच की साफ तौर से खानापूर्ति करती नजर आ रही है। निगरानी समिति की दोनों महिलाओं के पास ना तो पल्स ऑक्सीमीटर है और ना ही थर्मल स्क्रीनिंग है। हाथों में सिर्फ एक रजिस्टर जरूर है जिस पर ये लोगों के नाम लिख रही हैं। डोर टू डोर कोविड के लक्षणों की जांच कर रही कार्यकर्ताओं ने साफ तौर से कहा कि हमें सरकार ने कोविड किट नहीं दी है। बुखार खांसी बुखार ये हम कोरोना का चेक कर रहे हैं। तो किस तरह से कर रहे हैं आप? हम तो पूछ रहे हैं उनसे घर जाकर, उनसे घर घर जाकर पूछ रहे हैं। किसी को खांसी बुखार तो नहीं है और गले में कोई परेशानी तो नहीं है। और कोरोना का टीका लगवाने के लिए कह रहे हैं, आधार कार्ड लेकर अपना सरकारी अस्पताल में टीका लगवाए हैं। ये निगरानी समितियों में कोई समिति, वैसे तो प्रधान भी नवनिर्वाचित हो गए हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है। हमारी आशाएं हैं, हमारी एनएम्स हैं, जाकर के देखते हैं कि बाहर से आए हुए लोग या लक्षण जिनको आ गए हैं कोरोना के, ऐसे कौन लोग हैं, उनको क्या सुझाव दिया जाना है। अगर कोई परेशानी में है, कोई उसको कोविड के लक्षण ऐसे हैं जिनमें तुरंत टेस्ट होना है, तो उनके टेस्ट कहाँ होंगी, टेस्ट वाले की टीम ला करके या उनको CHC पर पहुँचवा करके उनका टेस्ट कराना और दवाइयाँ उपलब्ध कराना। ग्रामीण अंचलों में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने सभी राजस्व ग्राम गांवों में निगरानी समितियां गठित कर दी हैं, जिसमें कोविड लक्षणों की डोर टू डोर जांच की जा रही है। भारत समाचार की टीम ने यहां पर सर्वे किया, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की, तो यहां पर जो निगरानी समितियां हैं जो डोर टू डोर जो सर्वे कर रही हैं, वो महज सिर्फ और सिर्फ जो है नाम और उनका पता और मोबाइल जरूर पूछ रही हैं, लेकिन ना ही तो उनके पास कोरोना पल्स ऑक्सीमीटर है और ना ही थर्मल स्क्रीनिंग है। तो इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रशासन और शासन की किस तरह से पोल खुलती साफ तौर से नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अब्बास के साथ सरफराज खान, भारत समाचार। खबर कर